नमस्ते सभी को। आज हम आए हैं वज्रासन के साथ। वज्रासन एक ऐसा आसन जो हम खाना खा के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये सभी आसनों में एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। वज्रासन करने से आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका जठराग्नि से क्या लेना देना। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो अपने घुटनों को मोड़ कर बैठते हैं, जो आपका नीचे का ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों का बंद हो जाता है और सारा ब्लड ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त होती है और हमारा खाना जल्दी पच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वज्रासन का अर्थ क्या है। वज्रासन संस्कृत में वज्र का अर्थ है इंद्र का अस्त्र, अत्यंत कठोर। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से अभ्यासकर्ता शक्तिशाली बनता है। यह हर्निया रोग के लिए निरोधात्मक उपचार विधि है। बवासीर के उपचार में भी बहुत ही सहायक है। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी अनियमितता सभी खत्म हो जाती है। अभी आप देखिए वज्रासन करना कैसे है। अभी हम वज्रासन करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सभी को आज हम वज्रासन करेंगे। एक ही आसन जो हम खाना खा के कर सकते हैं, उस आसन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन। अभी धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक पैर को मोड़िए। धीरे से एक एक पैर को मोड़ दीजिए। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे को मिला लीजिए। दोनों एड़ियों में फैसला करें, अपने बटक्स को उसके बीच में रखें। अभी दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें, कमर आपकी सीधी, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन। आपका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। इस प्रकार से इस आसन में आप खाना खा के 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। एक ही आसन है जो हम खाना खा के बैठ सकते हैं। आराम से बैठें, कुछ पल के लिए रुके, उसके तो 5 मिनट इस आसन में। अभी धीरे से जैसे हम गए थे ऐसे आसन से बाहर आएंगे। एक एक पैर को धीरे धीरे सीधा कर दीजिए, एक एक पैर को धीरे धीरे सीधा कर दीजिए। पूरा दंड आसन में आराम से बैठ जाइए। ये हमारा वज्रासन। नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आसन के साथ।